हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम इस वीडियो में करेंगे हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं। ओके, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं उन सभी को अच्छे से करेंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये अबाउट 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो सभी के सभी जितने भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें आया है कि चकोर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। ओके, ये जो चकोर नामक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ओके, उसके बाद आया है पानीपत की तीन चीज़ें आई है, एक आया है स्काईलार्क, एक आया है काला आम्ब और एक आया है ब्लू जे। ओके, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी आपको, पानीपत में मिलेंगी। स्काईलार्क, कालाम किससे जुड़ा हुआ है, ये पानीपत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। और ये जो ब्लूजे है ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी पानीपत से जुड़ा हुआ है। तो स्काईलार कहाँ पे है, ये पानीपत में। कालाम कहाँ पे है, ये भी पानीपत में। और ब्लूजे नामक स्थल कहाँ पे, पानीपत में। एक इनकी तहसील है पानीपत की, समालखा। ओके, समालखा एक तहसील है, उसमें क्या है, ब्लूजे नामक स्थान है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है यमुनानगर के बारे में है लगातार तीन, वो है कि ताजे वाला स्थान कहाँ पे है, हथनीकुंड कहाँ पे है और कालेश्वर नामक स्थल कहाँ पे है। ओके, तो ये तीनों के तीन चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको, यमुना नगर में मिलेगी। ऐसे आपको जो है वो एक साथ चीज़ें आई हैं, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना और याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं यमुनानगर का नाम लेता हूँ ऐसे ही आपके दिमाग में तीन चीज़ें आएंगी, ताजे वाला, हथनीकुंड और कालेश्वर। ओके, कालेश्वर एक वहाँ पर राष्ट्रीय पार्क भी है। ओके, उसको जो है घोषित किया गया है राष्ट्रीय पार्क हमारा। ओके, कालेश्वर नामक जगह पे कहाँ पे है, ये यमुनानगर में। उसके बाद है कोयल, कोयल नामक स्थान कहाँ पे है, ये है कैथल में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र की चीज़ आई है कि नीलकांति कृष्ण डैम कहाँ पे है, ये है कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आता है कि भिवानी में एक काफ़ी अच्छी जगह है, नाम है रेड रोबिन नामक स्थल कहाँ पे है, राइट आंसर रहेगा भिवानी में। उसके बाद है डैरंगो नामक स्थल कहाँ पर है। ओके, इसका आंसर पहले तो भिवानी था। ओके, पहले भिवानी था, बट अब भिवानी में से एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया चरखी दादरी, तो अब ये डैरंगो कहाँ पर स्थित है, दादरी में स्थित है। उसके बाद है रेड बिशप नामक स्थल जो है वो कहाँ पे है, ये हमारे प्रदेश में दो जगह पे है, एक आता है सिरसा में और एक आता है पंचकुला में। या तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएगा कि सिरसा में है या फिर वहाँ पे आ सकता है पंचकुला में, या फिर दोनों इकट्ठे आ सकते हैं सिरसा तथा पंचकुला में। ओके, तो ये याद रखना है ये रेड बिशप कहाँ पे है, सिरसा तथा पंचकुला में। उसके बाद हम बात करते हैं रेवाड़ी के बारे में। ओके, बबलर जंगल नामक स्थल कहाँ पे है, ये रेवाड़ी में। और सेंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पे, ये भी रेवाड़ी में। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी रेवाड़ी में, बबलर जंगल और दूसरा है सेंड पाइपर। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में अभी इसका नाम गुरुग्राम हो गया है, तो ये जो गुड़गांव है इसमें सोहना झील है। ओके, तो कहाँ मिलेगी आपको सोहना झील, ये मिलेगी गुड़गांव में। ओके, एक दमदमा भी है। उसके बाद है एक सुल्तानपुर पक्षी विहार है। ओके, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये गुड़गांव में मिलेगा। उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र का एक और चीज़ है, गोड़िया मठ। ओके, कुरुक्षेत्र का क्या है, एक अब पहले हमने पढ़ा था एक नीलकांति कृष्ण डैम पढ़ा था और अब आया है गोड़िया मठ, तो ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। ऐसे ही सूर्य कुंड एक नामक स्थल है, ये कहाँ पे भी आपको मिलेगा, सूर्य कुंड है एक, सूरज कुंड है। ओके, दोनों साथ में दिए गए हैं। सूर्य कुंड मिलेगा आपको बिलासपुर में और सूरज कुंड मिलेगा आपको फरीदाबाद में। याद रखना है सूर्य कुंड है बिलासपुर में और सूरज कुंड है फरीदाबाद में। उसके बाद है मेघपाई, फरीदाबाद में एक और जगह है मेघपाई, ये कहाँ पे है, फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद की एक झील भी आई है। ओके, बड़खल झील है, तो बड़खल झील कहाँ पे मिलेगी आपको, फरीदाबाद में। उसके बाद एक गोल्फ़ प्लेग्राउंड है जिसका नाम है अरावली गोल्फ़ प्लेग्राउंड। याद रखना है अरावली गोल्फ़ प्लेग्राउंड फरीदाबाद में। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फरीदाबाद के प्लेग्राउंड का नाम बताइए गोल्फ़ प्लेग्राउंड का, तो अरावली गोल्फ़ प्लेग्राउंड। उसके बाद एक डबचिक आता है, डबचिक इसे होडल के नाम से भी जाना जाता है, लिखा गया है डबचिक को होडल के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे मिलेगा, ये फरीदाबाद में मिलेगा। तो ऐसे ही हमने फरीदाबाद की कई लगातार चीज़ें पढ़ ली हैं, वो सभी आपको याद रखनी है। उसके बाद एक सफीदों जगह है, सफीदों एक शहर है, सफीदों कहाँ पर मिलेगा, ये जींद में मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा, जींद में मिलेगा।
उसके बाद है हरियल, हरियल नामक जो स्थल है वो कहाँ पे मिलेगा और बुलबुल नामक स्थल कहाँ पर मिलेगा। एक हरियल है और एक बुलबुल है, तो ये दोनों की दोनों जगह कहाँ पे मिलेंगे आपको, जींद में ही मिलेगी। तो जब भी अगर आता है हरियल कहाँ पे है, बुलबुल कहाँ पे है, तो जींद में। उसके बाद अब आता है अस्थल बोहर, काफ़ी अच्छा प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अस्थल बोहर नामक स्थल कहाँ, किस जिले में है, राइट आंसर रहेगा रोहतक में। उसके बाद है कुबेर तीर्थ नामक स्थल कहाँ पर है, कुबेर तीर्थ, ओके, कुरुक्षेत्र में है कुबेर तीर्थ, ओके। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, गोड़िया मठ, उसके बाद एक नीलकांति कृष्ण डैम, और एक हमने पढ़ा कुबेर तीर्थ। ये कुरुक्षेत्र की तीन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी थी गोड़िया मठ, ओके, और एक हमने पढ़ा था कृष्ण नीलकांति कृष्ण डैम, है ना, और अब हमने ये पढ़ा है कुबेर तीर्थ। उसके बाद आता है पीपली में है एक, ये प्रकृति यहाँ पे लिखा, वैसे पैराकीट है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, पैराकीट। तो ये जो पैराकीट है, ये पैराकीट किस नामक स्थल पर है, ये आएगा, ये जो पीपली है, ये पीपली किस में आता है, कुरुक्षेत्र में आता है। ऐसे ही जो ज्योतिषा सरोवर नामक स्थल है, ये कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको कुरुक्षेत्र में मिलेगा। तो हमने अभी तीन पहले पढ़ी थी और दो अब पढ़ ली हैं ये कुरुक्षेत्र के बारे में। अब आता है राम राय, राम राय नामक स्थल कहाँ पर है, ये आपको आता है जींद में। जींद में अभी एक रिसेंटली क्वेश्चन पढ़ा था हमने, सफीदों, सफीदों जो जगह है कहाँ पे है, जींद में। उसके बाद है ब्लू बार्ड, एक हमने पढ़ा था ब्लू जे, ब्लू जे कहाँ पे था, पानीपत में था, ब्लू जे याद रखना है, ब्लू जे कहाँ पे था, पानीपत में। और ये जो ब्लू बार्ड है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, हिसार में मिलेगा, ओके। उसके बाद है कर्ण झील, कर्ण झील किससे जुड़ी हुई है, करनाल से, ओके, करनाल को जो अंगराज कर्ण थे, ओके, सूतपुत्र कर्ण जो थे, उनकी जो है नगरी बोला जाता है करनाल को। कर्ण झील कहाँ पे मिलेगी, करनाल में मिलेगी, ओके। ऐसे ही करनाल में एक और जगह है उछाना, उछाना वैसे इसका नाम आता है उछाना, ये इसको हम लिखते हैं उछाना, उछाना जो जगह है ये कहाँ पे मिलेगी, ये भी करनाल में मिलेगी। उसके बाद किंग फिशर, किंग फिशर नाम है एक स्थल है, ये कहाँ पे मिलेगा, अम्बाड़ा में मिलेगा। उसके बाद यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन यहाँ पे गलत लिखा गया है, अम्बाड़ा नहीं, ये पिंजौर में है, ओके, कहाँ पे है यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर में। उसके बाद है मोरनी हिल्स, ओके, उसके बाद क्या आता है, मोरनी हिल्स आता है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मोरनी हिल्स मिलेगा मोरनी नामक स्थल पर, ये अम्बाड़ा में नहीं है, ओके। तो मोरनी हिल्स कहाँ पे मिलेगा, मोरनी एक जगह है, गाँव का नाम है, ओके, काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे मिलेगा मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स जो है ये हरियाणा की सबसे ऊंची एक जो है वो चोटी भी है, ओके, मोरनी में ही है वो, सबसे ऊंची चोटी मोरनी में ही है हरियाणा की। उसके बाद है श्री महाकालेश्वर मंदिर का मठ है, ये किस स्थल पर है, ये कालेश्वर के पास है, कालेश्वर आपने पढ़ा था, कालेश्वर कहाँ पर पढ़ा था आपने, यमुनानगर में। तो ये जो महाकालेश्वर का जो मंदिर है, मठ है, कहाँ पे मिलेगा, यमुनानगर में। एक मुगल गार्डन आ जाता है, मुगल गार्डन कहाँ पे मिलेगा, मुगल गार्डन मिलेगा पिंजौर में, इसको कट करो, मुगल गार्डन कहाँ पे मिलेगा, पिंजौर में मिलेगा। और लास्ट में आ जाता है गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ पे मिलेगा आपको, हिसार में मिलेगा। तो दोस्तों ये लगभग हमने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं जो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से जो है वो चुने गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।